बाल संरक्षण समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी रीना जोशी ने बच्चों को मिल रही सुविधाओं की रिपोर्ट मांगी। बैठक में जिलाधिकारी ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों पर विशेष ध्यान देने और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अभिभावकों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ में बाल संरक्षण समिति की बैठक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों के लिए बने आश्रम पद्धति विद्यालय में सुविधाओं के अभाव के बारे में बताया गया कि एक सिंगल पलंग पर तीन तीन बच्चे सो रहे थे, पीने के पानी की भी समस्या है, विद्यालय में बक्से और फर्नीचर भी टूटे फूटे हैं, जिस पर जिला अधिकारी ने उप जिला अधिकारी को विद्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेने की बात कही। बैठक में कार्यक्रम अधिकारी ने जिला अधिकारी को बताया कि कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के प्रमाण पत्र भी बनाए जाने हैं, जिस पर जिला अधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन बच्चों के प्रमाण पत्र बनाए जाने हैं उनकी सूची उप जिला अधिकारी और तहसीलदार को उपलब्ध करा दी जाए ताकि उनके प्रमाण पत्र बन सकें। इस दौरान बैठक में जिला अधिकारी ने समिति के सदस्यों को निर्देश दिए कि वे जिले के जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में जाकर बच्चों के अभिभावकों के बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने और बाल अधिकार के प्रति जागरूक करें। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़, आपके हक में।